नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मेडमगंज सोनभद्र स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत केवाल में अवैध रूप से छत्तीसगढ़ का ठेकेदार रवि नरेश के द्वारा लेबर लगवा कर कच्चा लिप्टस का पेड़ लगभग 250 के ऊपर पेड़ काटते हुए मौके पर पहुंची बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी और कटान मशीन को किया जब्त। कटान कर रहे लेबर ने बताया कि ठेकेदार रवि नरेश हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले और हम लोगों को लिप्टस के पेड़ काटने के लिए भेजा है और हम लोग लगभग 700 मीटर केबल लगाकर बिजली के द्वारा लिप्टस का पेड़ कटान कर रहे हैं और हम लोगों के पास किसी भी वन विभाग का परमिशन नहीं है और ना ही बिजली विभाग से बिजली यूज करने की परमिशन नहीं है। आइए जानते हैं पूरी खबर। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। अभी हम ग्राम पंचायत केवाल में आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ पेड़ है लिप्टस का जो कि काफ़ी मात्रा में कटा हुआ है और मैं जो शख्स से काट रहे थे उनसे मैं बात करूँगा, वो किस तरह से काट रहे थे, कैसे काट रहे थे, मतलब क्या उनके पास प्रमाण है कि नहीं है, क्या है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक दास। तो आप ही बताइए कि यहाँ पेड़ कटान कर रहे हैं। हाँ। तो पेड़ कटान किस माध्यम से कर रहे हैं आपको? हम लोग सुविधा द्वारा हो रहा है, कोई विभाग आपको भेजा है? सर हम लोग ठेकेदार के अंडर में है। ठेकेदार क्या नाम है? ठेकेदार के नाम बढ़िया। वो कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के। तो क्या आपसे बोले हैं? वो काटने के लिए बोले हैं। काटने के। आपको कुछ लिखित दिए हैं कि जाइए, अगर कोई अधिकारी आएगा तो आपको दिखाना होगा? नहीं। तो आप बताइए, बिना परमिशन का, बिना कागज के, आपके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है? नहीं, वो कागज बना लेते हैं। कागज बना लेते हैं, लेकिन अभी मौके पर आपका है? नहीं, अभी नहीं है। अभी तो नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम। तो आप पेड़ काटने आए हैं साथ में? नहीं, हम भी हेल्पर हैं। अच्छा, ये मिस्त्री हैं, आप हेल्पर हैं? जी। आप सर? मेरा नाम उपेंद्र अभी है। अभी हेल्पर हैं? हाँ सर। मिस्त्री हैं? नहीं सर, मिस्त्री नहीं। अच्छा, आपके छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं? हम झारखंड के। अच्छा, आप झारखंड के हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़। आप भी छत्तीसगढ़? अभी छत्तीसगढ़। तो वो ठेकेदार से बात हुआ? तो आप ये किस माध्यम से काट रहे हैं? सबके हाथ से काट रहे हैं? बिजली आपको इस जगह तो बिजली ट्रांसफर आ रहा थी, पोल नहीं है, नजर आ रहा है पोल। बिजली कहाँ से मिला? बिजली विभाग से आप परमिशन लिए थे? परमिशन तो नहीं लिए। परमिशन नहीं? बिना परमिशन से आप मतलब पेड़ काट रहे हैं? अब आपके पास कोई प्रमाण भी नहीं कि किस माध्यम से आप पेड़ भी काट रहे हैं? तो इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कि वर्कर भेज चुके हैं, कोई इनके पास कागजात नहीं है और एक ढेर सारा पेड़ लिप्टस का जो कि काट के इन्होंने कच्चा पेड़ है वो गिरा चुके हैं। आइए हम कुछ ग्रामीण जनता से भी बात करते हैं कि उनकी मतलब कुछ जानकारी के हो रहा है कि बिना जानकारी के हो रहा है, इसके बारे में उन लोग से जानकारी लेते हैं। पेड़ की संख्या लमसम 150। सर आपका नाम? मेरा नाम जसवंत सिंह, पूर्व BDC। हाँ सर, ये बताइए कि अभी आपके ग्राम पंचायत में काफ़ी पेड़ कटा हुआ देखने को मिला, वो भी कच्चा पेड़ है, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग कुछ जानकारी मिला था कि नहीं मिला था? आप लोग अचानक कैसे यहाँ पे आ गए? हम जा रहे थे मेदिनीखाड़ जी बाज़ार में जी, लेकिन फिर हम देखे कि बहुत कच्चा पौधा गिराया जा रहा है काट करके जी, और पूछे तो छत्तीसगढ़ बताए लोग जी। इसके बाद फिर हम ग्राम प्रधान से पूछे, दिनेश प्रधान यादव जी से जी, कि आपका अनुमति से लिप्टस काट रहा है कि वातावरण दूषित करने के लिए कौन काट रहा है? फिर इन लोगों के पास हम कागज पूछे कि कौन परमिशन दिया, उसमें भी इन लोग नहीं बता पाया। प्रधान जी बोले कि हम भी परमिशन नहीं दिए हैं, न हमको कोई जानकारी है। इसके बाद हम फिर फॉरेस्ट विभाग में बोले तो उन लोग भी बोला कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये पेड़ किनका था? ये हम सुन रहे हैं कि गुलाब चंद कुशवाहा का, घीवी का, कुशवाहा जी का पेड़ है, उन्होंने बेच दिया ठेकेदार खरीदा और उन्होंने गांव प्रधान के माध्यम से कोई सूचना दे करके कुछ ग्राम। हाँ, ऐसा सूचना प्रधान जी बोले हैं कि हमें कोई सूचना नहीं, बिजली विभाग के बिना गए हाजिरी में भी। हाँ, वहाँ से भी ट्रांसफार्मर से जोड़ा हुआ कनेक्शन इनको पाया गया। तो लगभग कितना दूरी होगा यहाँ से? लगभग 700 के आसपास है, 700 मीटर। हाँ, बिजली विभाग वाले भी आए थे, उन लोग अपना कटर मशीन बिजली द्वारा चल रहा था उसको भी और केबल भी लेकर के उन लोग गया, शायद कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ घुस पैठियों का जमाना चल रहा है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है
कि अच्छा कार्रवाई हो। आप जय साहब आए होंगे? नहीं आए जय साहब, लोकल संविदा वाले जय आए थे और उनके चंगू मंगू दो चार गो लाइन मैन हो गए। सर आपका नाम? मेरा नाम रमेश कुशवाहा। सर ये बिजली विभाग से एक स्टाफ आए थे? बिजली विभाग से चार स्टाफ आए थे। तो उन्होंने ये वर्कर लोगों से क्या कह के मतलब उनका सामान ले? उन्होंने ट्रांसफार्मर में सीधा लाइन जोड़ करके मशीन काटते हुए देखा, तो उन्होंने तार मोड़ते हुए और मशीन को लेकर के जब्त करके चले गए। आए वो अपने अपने हिसाब से उसमें लेके चले गए, और अभी तक यहाँ पर जो पेड़ कटा है उसका वन विभाग से चाहे ठेकेदार की तरफ से कोई भी अनुमति प्रमाण पत्र नहीं मिला है, न कोई बता रहा है कि किस तरह का पेड़ कटा है, हरा पेड़ जबकि कटा हुआ है। आपका सर? नमनेश्वर प्रसाद शर्मा। आपको ये कार्य में क्या आपको क्या समझ सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो सुने ना कि ट्रांसफार्मर पर गिर गया पेड़। अच्छा, आपको सूचना मिला है कि ट्रांसफार्मर पेड़ गिर गया? हाँ, पेड़ गिर गया। अब ये सुनकर आप यहाँ आ गए? हाँ, यहाँ आ गए। अब यहाँ कुछ और देखने को मिल गया? और कुछ देखने को मिल गया, सारी तमाम देख रहे हैं कि पेड़ कटे हुए पेड़ गिर गया। इस तरह से भ्रष्ट पर ही भ्रष्ट होते जा रहा है। हालांकि बिजली विभाग के कई स्टाफ कर्मचारी संविदा वाले आए, अपना कार्यक्रम चले गए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ स्टार 7 टीवी न्यूज मीडिया रिपोर्टर जितेंद्र प्रसाद। जय हिंद, जय हिंद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।